देखो पहला फॉर्मूला जरा ध्यान से देखिए, ये बेस से बेस के पीछे उतना दिमाग मत लगाइए। लॉग एम इंटू एन रहेगा तो लॉग एम प्लस एन लिखेंगे, अगर इस तरह से दिया रहेगा तो लॉग तो हम लोग ले लेंगे और एम जो यहां प्लस है वो क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा। अगर डिवाइड में रहेगा तो लॉग एम माइनस लॉग ए, ये ए का बेस ए भी हो सकता है, कुछ भी एनीथिंग हो सकता है, हम यहां पर एक्स भी लिख सकते थे, यहां पर एक्स भी लिख सकते थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर लॉग एम है, एम का पावर एन है, बेस को छोड़ दीजिए, पावर इधर आ जाता है, ये लॉग एन पीछे चला जाता है, बेस अपने जगह है। अगर लॉग ए है और बेस भी सेम रहेगा तो उसका वैल्यू कितना होगा, वन। कैसे, जरा यहां पर ध्यान से देखिए, जो अभी आप देख रहे थे लॉग वाला, ये यहां चला गया इजिकल टू ए, अब यहां भी ए है, यहां भी ए है, ए का पावर कुछ भी नहीं तो वन तो मान ही सकते हैं, इसलिए क्या हो गया, वन। लॉग वन का पावर, लॉग वन का जो वैल्यू होता है जीरो होता है, लॉग टेन का वैल्यू क्या होता है, वन। सेम आप करके देख सकते हैं, क्योंकि यहां जब करेंगे तो क्या होगा बोलिए, ए टू दी पावर, इसको क्या लिख सकते हैं आप, ए टू दी पावर जीरो इज इक्वल टू वन। एनीथिंग अगर पावर जीरो होता है उसका वैल्यू क्या होता है, वन होता है। यहां पर आप सेम कीजिए, क्या होगा बोलिए, टेन का पावर वन इज इक्वल टू टेन, टेन का पावर टू इज इक्वल टू टेन इंटू टेन करेंगे तो हंड्रेड ही होगा ना। तो कहने का मतलब है आप इसको इस तरह से समझिए, लॉग वन इज इक्वल टू जीरो, अगर टेन रहेगा तो उसका वैल्यू वन होगा, बेस टेन रहना चाहिए, अगर हंड्रेड होगा तो वैल्यू कितना होगा, टू होगा, थाउजेंड रहेगा तो थ्री होगा। मिटा दें यहां तक, फाइव नंबर था ना, वापस सिक्स नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट लिखिए सिक्स नंबर। ध्यान से देखो समझो, लॉग बी बेस क्या है, हम इसको लिख सकते हैं लॉग बी बाई लॉग ए, बेस कुछ भी हम लोग नया दे सकते हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आगे बहुत जगह यूज होगा। यहां देखिए लॉग बी बेस क्या है, क्या लिख सकते हैं हम लोग, आप बोलेंगे सर यहां पर नहीं दिए बेस, छोड़िए ना बेस, बेस से तो कोई मतलब नहीं रहता है, आप बेस दे भी सकते हैं और बेस नहीं भी दे सकते, ये तो अपने ऊपर डिपेंड करता है, कुछ भी लिख दीजिए, एक्स लिख दीजिए, बट अपने को क्या दरकार है लिखने का। यहां पर क्या है, लॉग ए लॉग बी, ये देखिए कट गया, अरे बेस देंगे तब भी कटेगा, बिना बेस दिए भी कटेगा, तो इक्वल टू क्या हुआ। इसीलिए जब हम लोग आगे सवाल बनाएंगे ना तो इतना लंबा में नहीं जाएंगे, इतना करके दिखाने का दरकार नहीं है। यहां पर क्या कॉन्सेप्ट हो रहा है, यहां कॉन्सेप्ट यह हो रहा है कि या तो इधर से ए काट दीजिए या इधर से बी भी काट दीजिए या सभी को काट देंगे तो वन हो जाएगा। हम लोग इसको कैसे आगे बनाएंगे, हम ए और ए को कैंसिल कर देंगे तो क्या लिख सकते हैं, लॉग बी बी, इसको खोलेंगे क्या हो सकते हैं, लॉग बी है ना। तो देखेंगे, अभी हम तुरंत आपको एक फार्मूला बताए थे, यहां जो भी वैल्यू रहेगा सेम यहां पर बेस है तो क्यों वन होता है, ये तो आप समझ गए। यानी आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, अगर इधर से कटाएंगे तो इसको भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। जैसे अगर हम बोलेंगे लॉग फाइव, क्या लिखेंगे, वन, क्यों, लॉग फाइव कॉन्सेप्ट यह है, लॉग फाइव इसको भी क्या लिख सकते हैं हम लोग, कुछ बेस दे सकते हैं, वन हुआ ना। अब देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको अगर हम लोग इस तरह से अगर लिखेंगे तो लॉग ए लॉग बी, लॉग बी लॉग सी कट गया, बी बी तो क्या बच गया, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां से बी बी और कैंसिल करके सीधा ये लिख दे रहे हैं, इतना बड़ा में जाने का दरकार नहीं है क्योंकि कॉन्सेप्ट आप समझ गए हैं, तो इतना लंबा में मत जाइएगा, सीधा यहीं से आप समझ गए कि ये कट सकता है तो इसको हम ये लिख सकते हैं। यहां पर देखिए लॉग बी है, बेस क्या है, ए है, अगर इसको इस तरह में डिवाइड में लेकर जाएंगे तो ये पलटी हो जाता है, ये अपोजिट हो जाता है, जहां पर जो बेस था
वो वैल्यू बन जाता है, जो वैल्यू है वो बेस बन जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के ऊपर ये है। डायरेक्ट हम लोग ऐसे करके बी भी लिख सकते हैं, ये जैसे ही लिखेंगे उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, है ना। कोई प्रॉब्लम, फॉर्मूला खत्म हुआ। अब एक एक फॉर्मूला के ऊपर सम शुरू करिए।